प्रदेश भाजपा से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नई टीम की घोषणा कर दी है। नारायण पंचारिया, बाबा बालकनाथ, चुनीलाल गरासिया, मुकेश दाधीच, सरदार अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल बीड़ा, ज्योति बिरधा और दाहर सिंह जोधा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। दामोदर अग्रवाल, जितेंद्र गोठवार, श्रवण सिंह बगड़ी, संतोष अहलावत और ओम प्रकाश भड़ाना को बनाया है प्रदेश महामंत्री। विजेंद्र पूनिया, वासुदेव चावला, पिंकेश पोरवाल, भूपेंद्र सैनी, डॉक्टर महेंद्र कुमावत, अनंतराम विश्नोई, सावराम देवासी, अनुसुईया गोस्वामी, स्टेफी चौहान, अजीत मांडन, मिथिलेश गौतम, आईदान सिंह भाटी और अनीता कटारा को बनाया है प्रदेश महामंत्री। वहीं पंकज गुप्ता को बनाया है प्रदेश भाजपा का कोषाध्यक्ष। अनिल सिसोदिया को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बनाया है। और ये वो सूची हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। नई टीम नए जोश के साथ अब काम करेगी। ये वो नाम, प्रदेश महामंत्री हो, प्रदेश मंत्री हो, कोषाध्यक्ष हो, सह कोषाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, संगठनात्मक नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। ये पद काफी मायने रखते हैं जब चुनाव सिर पर हो, तो ऐसे में ये दर्शाता है कि पार्टी को अपने किन सिपाहियों पर भरोसा अधिक है। हालांकि देखिए, सबकी अपनी जगह है संगठन में, सबके अपने दायित्व हैं, लेकिन फिर भी जब चुनाव करीब है तो जो नाम आप देख पा रहे हैं, ये मानिएगा कि यही कोशिश है पार्टी की कि इन कुछ चेहरों को भरोसेमंद बताते हुए पार्टी ने आगे रखा है, जिम्मेदारी दी है चुनाव में संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को जीत दिलाने की जो कवायद अब तेज हो रही है उसमें अहम भूमिका पार्टी के ये नेता, संगठन के ये कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। इसमें कई नाम आप देख पा रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे बाबा बालकनाथ की बात हो, चुनीलाल गरासिया की, मुकेश दाधीच की, प्रभुलाल सैनी, ये नाम विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी चर्चाओं में रहे हैं। ज्योति बिरधा का नाम भी चर्चाओं में रहा था क्योंकि जब बीजेपी ज्वाइन की थी उन्होंने तो कई तरह की बातें हुई थी और फिर प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर इन्हें बनाया गया है। घोषणा हो चुकी है, अब इंतजार रहेगा कि क्या क्या टास्क इन्हें दिए गए हैं और कैसे ये पार्टी को 25 की 25 सीटें जिताने में अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बीजेपी कहती है कि संगठन पर आधारित पार्टी है, संगठन को तवज्जो सर्वाधिक दिया जाता है पार्टी में और हर एक कार्यकर्ता पर निगाह रहती है और फिर उसका फल भी मिलता है। कल जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी अविनाश गहलोत से, मंत्री हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी की कोशिश यही रहती है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए जान फूंकता है और पार्टी भी उसे उसका फल अवश्य देती है, चाहे फिर वो किसी भी जिम्मेदारी के तौर पर दे, चाहे संगठन में नियुक्ति करके उसे दे या फिर मंत्री बना के या फिर कोई और भूमिका जिसे निभाने के लिए पार्टी कहती है। तो टीम सीपी जोशी, ये वो नाम जो कि टीम में रखे गए हैं।